सजदे तिलावत दौरान नमाज आए तो क्या तरीक़े कार होगा? क्या उसके लिए तकबीर कही जाएगी या बग़ैर तकबीर कहे सजदा किया जाएगा? देखिए, नमाज में एक हालत से दूसरे हालत की तरफ जाने के लिए अल्लाह अकबर मशरू है। तकबीर कहना ये मशरू है। तो अब अगर क़याम की हालत में है, सजदे में जाना है, तो मुक्तदी को ख़बर देने के लिए अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू करार दिया है, इसलिए अल्लाह अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। सजदे से वापस उस हालत में आने के लिए भी अल्लाह अकबर कहेंगे। तो नमाज के लिए एक हालत से नमाज की हालत में एक हालत से दूसरे हालत में जाने के लिए तकबीर कहना ये मशरू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसलिए अल्लाह अकबर कह करके वो सजदे में चले जाएं, सजदे से फारिग हो करके अल्लाह अकबर कह करके वापस क़याम की हालत में आ जाएं। ये तो हुआ सवाल का पहला हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये वाजिब है? सजदे तिलावत मसनून और मुस्तहब है, करना बेहतर है। अगर कोई शख्स उस आयते करीमा को पढ़ता है जिसमें सजदा है, तो सजदे तिलावत कर लेना उसके लिए अच्छा और बेहतर है, बायसे अजर व सवाब है। और अगर सजदे तिलावत नहीं करता तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। हजरते ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरे नज़्म की तिलावत की, और सूरे नज़्म के आखिर में सजदे तिलावत है, तो आपने उसमें सजदा नहीं किया। फलम यसजुद फीहा, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा नहीं किया। फलम यसुद फीहा का एक मफहूम तो ये हो सकता है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा नहीं किया, जो कि पढ़ने वाले हैं तो सुनने वाला उसके ताबे होता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लम तो मुअल्लिम थे, अगर वो चीज़ वाजिब है और किसी को मालूम नहीं है तो आप उस चीज़ को हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिल वक्त बताते कि आपने सजदे तिलावत पढ़ी है तो सजदा कर ले, वो सजदा करते, पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदा कर लेते। इससे पता चलता है कि सजदे तिलावत मसनून है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। एक मुनक़िते रिवायत है सुनन कुबरा बैहक़ी के अंदर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर पर जुमा के दिन आयते सजदा की तिलावत फरमाई और सजदा किए। एक और जुमा में उन्होंने आयते सजदा की तिलावत की और सजदा उन्होंने नहीं किया, और ये बताया कि ये ज़रूरी और वाजिब नहीं है। पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करने वाले और वह ताबई उनकी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं है, समा साबित नहीं है, इसलिए ये रिवायत मुनक़िते कहलाती है। यानी इस एतबार से ये उसके लिए पहली रिवायत जो हज़रत ज़ैद की है वो सही बुखारी में, दूसरी रिवायत जो कि मुनक़िते है ये सुनन कुबरा बैहक़ी के अंदर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम।